खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने भी याचिका की खारिज। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के लिए बुरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट के बाद हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से भी झटका लगा है। हाई कोर्ट ने ईडी के समन के खिलाफ दायर हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें, धन शोधन के एक मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को समन भेजकर पूछताछ के लिए रांची स्थित ईडी कार्यालय आने का समन जारी किया था। समन में PML एक्ट के तहत हेमंत सोरेन को बयान दर्ज कराने को कहा गया था। हालांकि हेमंत सोरेन समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने समन के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन उन्हें हाई कोर्ट जाने की छूट दे दी गई थी। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद बीती 23 सितंबर को झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया। हालांकि अब हाई कोर्ट ने भी सोरेन की याचिका खारिज कर उन्हें बड़ा झटका दिया है।